हमारे सबसे अच्छे एक्सपीरियंस में से ये एक है आज का जीप राइड। मुस्कुराइए आप, मैन पार्ट में है। जीतन क्या पीने वाले हैं? चाय। और चाय के साथ तू क्या करता है? पीने के बाद विकट आनंद आए। जीतन मेरा भाई, दोनों जन यहाँ पे गाड़ी का आनंद लेंगे और अभी ये मैं चलाऊंगा। तो खुला खुला आसमान, ऊपर से ये खंडर, प्रेयर फ्लैग, ये तबाही वाली गाड़ी पूरा माहौल की ऐसी तैसी करके रख दिया, पूरा ऐसी तैसी कर दिया माहौल। जो है बस यहाँ से जैसे ही आप लोग पार होंगे दो नंबर गैंग में, वो सामने दिखाई दे रहा है। मैन पार्ट कमलेश्वर पोर्ट पहुँचने से जस्ट पहले ही ये देखिए, ये शानदार नजारा आप लोग देखे, मतलब पहुँच जाइएगा सीधे यहाँ। सत्य वचन बालक, सत्य वचन, सत्य वचन। आप लोग हम ही लोग देख लीजिए कितना आनंद ले रहे हैं सुबह से। तो गाड़ी को अंदर घुसाने नहीं सकूंगा बोला चिंतामणि, भैया को बोल रहे हैं और वो अंदर घुसाएंगे गाड़ी फिलहाल। भाइयों जीवन सफल हो गया, जीवन सफल हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत घूमे हम लोग, कम से कम 20-25 किलोमीटर घूम लिए गाड़ी में आराम से, आराम से। तो लग रहा है छोटे खुश है कि तू, मजा आया, कैसे चक्का घूम रहा है। पहिए का साइज देखो इसका, और सोने पे कुहागा वाली बात बताऊं, अब जीप से उतर के हम लोग क्या चलाएंगे पता है उसको? चलिए ठीक है भैया। तो आशा उम्मीद के साथ चलते हैं सीएम के साथ, बहुत आनंद प्राप्त किए और इतना ज्यादा आनंद भोग लिए ना कि ओवरफ्लो हो रहा है अब थोड़ा सा। क्या ओवरफ्लो हो गया तेरा आनंद का? परमानंद, परमानंद। हाँ यार, पूरा धान का मिसाई चल रहा है यहाँ पे तकनीकों के द्वारा, मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है भाई, एक नंबर। तो अभी हम लोग जहाँ पे मन करेगा वहाँ पे थोड़ा थोड़ा घूमेंगे ना। हाँ, मन नहीं करेगा तो एक जगह के पे बैठ के आराम से गप मारेंगे, नजारा देखेंगे, प्रकृति का आनंद, और सोचते रहेंगे दुनिया और विषय के बारे में, ब्रह्मांड सबके बारे में बात करेंगे भाई। केला भी खाएंगे, केला के साथ तगड़ा वाला रिश्ता। तो हम लोग अभी निकल गए हैं अपनी गाड़ी लेके, वहाँ पे भैंस लोग नहा रहे हैं देखिए बड़े प्यार से यहाँ पे, और हम लोग ये सुंदर नज़ारों का आनंद लेते लेते पहुँच गए हैं ये छोटा सा झील ही मान के चलिए वहाँ पे, थोड़ा देर यहाँ पे आनंद लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे ना यार। सब जन आनंद ले लेके आ रहे हैं मैन पार्ट का, और यहाँ से वो झंडा को देखना बे, वो सामने देख झंडा कितना मस्त उड़ रहा है वहाँ पे पुलिया के पास, एक नंबर दिख रहा है, एक नंबर। मैन पार्ट का मेरे को सबसे सुंदर जगह यही वाला लगता है, एकदम मस्त। ये नदी है छोटा सा और पानी बह रहा है, पहुंच गए हम लोग जलजली पॉइंट, और आज संडे का दिन है ना इस वजह से अच्छा खासा भीड़ भाड़ है यहाँ। अभी हम लोग हमारे बहुत ही यादगार स्पॉट पे पहुंचे हैं, इसका नाम है जलजली। जलजली, जलजली इसलिए क्योंकि यहाँ की धरती हिलती है, यहाँ पे हर कोई आके हिलाता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, जमीन को हिलाता है। यहाँ जितने लोग आए हैं ना बे, हर किसी का इच्छा है जाके हिलाना, अश्लील है ये लोंडा, अंदर में जमीन को समझे, और वो चीज किए बिना मतलब व्यर्थ है यहाँ पे। तो यहाँ गेट से हम लोग अभी अंदर जाएंगे धरती देखने, तो बस यही नीचे पे जमीन हिलता है, वहाँ पे जाके जमीन हिलाएंगे, वहाँ पे जाके जमीन हिलाएंगे। सो ये हम लोग पहुँच गए हैं जलजली, और यहाँ पे उछल के देखते हैं कि धरती हिलती है कि नहीं। पूरा हिल रहा है यार, पूरा वहाँ पे उछल रहे हैं लेकिन यहाँ तक वाइब्रेट हो रहा है, ये जगह भयंकर हिल रहा है। एक बार हिल, ऐसी वाला हिला ले एक बार, यहाँ तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट है। ले मैं भी हिलाता हूँ, मैं अभी नहीं हिल रहा हूँ, फिर भी मूव हो रहा है देखो, क्योंकि जितने हिल रहा है हिला रहा है। तो वहाँ जो एक बाबा फूक रहे हैं वो बहुत समय से फूकते हैं, वैसे ही पहले उधर फूकते थे अभी यहाँ पे फूक रहे हैं, अलग अलग जगह परिवर्तित करते रहते हैं वो ना, जमीन में कुछ गड्ढा खोदे हैं और शंख जैसे बजाते हैं उसका। ये आवाज भुई शंख, भुई शंख, जलजली का शंख है जिसको भुई शंख बोलते हैं। Mm-hmm.
यहाँ पर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है धरती के अंदर, मतलब ये धरती से आवाज निकाली जा रही है, बाबा ने बनाया है इसको। धरती से निकाल तो हमारे भारत की भूमि पे ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यहाँ से ध्वनि निकल रही है, वो भी शंख की ध्वनि, और वो भी जमीन में फूंक मारते हैं, जमीन में इन्होंने कुछ बनाया हुआ होगा, उससे ये धरती माता से ये आवाज आ रही है। एक बार और करके दिखा रहे हैं बाबा जी। और बाबा पिछले 16 से 17 साल हो गए हैं यहाँ पे हैं और लगातार ये ध्वनि बजा रहे हैं। ध्वनि के लिए इन्होंने अपने जीवन के 17 साल दिए हैं। बहुत बड़ी बात है, ये तपस्या है जितेन। इस फल से कुछ सिंदूर वाला फल है बता रहे हैं। जय हनुमान जी वन सप्ती माई लक्ष्मी माता जल जली मैया। ठीक है बाबा, फिर आते हैं और कहते आप स्वस्थ रहिए। जय भगवान। तो जैसे 17 साल से यहाँ बैठ के तपस्या कर रहे हो आप। ठीक है चाचा, फिर मिलते हैं। जय हो। ठीक है बाबा, आपका तपस्या है पूरा 17 साल का, पूरा जीवन का 17 साल यहाँ पे यही दे दिए ध्वनि बजाते हुए। ऐसे ऐसे चमत्कार हैं यहाँ पे हमारे भारत। सही बात है। तो दोपहर के बज चुके हैं 2 और अब हम लोग निकल रहे हैं वापस होटल की तरफ। पहुंच गए हम लोग अपने होटल और अब यहां से हम लोग करेंगे चेकआउट। बज चुके हैं 2:30। पूरा सूख गया होगा भी वो तो। सही, खड़े करते हैं, चेंज करते हैं, राइडिंग गियर्स डालते हैं, हेलमेट पहनते हैं और फिर कनेक्ट होते हैं इंटरकॉम में, फिर निकलते हैं। चला गया। ठीक है आंटी जी, चले जीतन रेडी, इंटरकॉम चालू करते हैं। रेडी। जय हो मैन पार्ट। सो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेशन के लिए रुके थे, अब चलते हैं। अभी हम लोग एक व्यू पॉइंट में आए हैं जिसकी खोज जितेन किए हैं, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। यहाँ पर आने के बाद में ये जो नज़ारा है ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट बन सकता है। पता कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। मैं कहाँ बोला, एक नंबर देखा है। तो हम लोग ये जो पॉइंट आए हैं यहाँ पर आने के बाद जो मैन पार्ट का यात्रा है हमारा कंप्लीट होता है, समझो मतलब सफल होता है। ये जो पॉइंट है मैं पहली बार आया, इतनी बार आया हूँ पर देखा नहीं था। और कैंपिंग वगैरह करने के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ से पूरा हिल का व्यू दिखता है और यहाँ पे अच्छा प्लेन जगह है और सड़क के ठीक किनारे में है, तो काफी कन्वीनियंट है। और गाड़ी खड़ा है ना, थोड़ा सा लकड़ी ले आ और लकड़ी ले आ और जलाने के लिए अगर मट्टी तेल नहीं होगा थोड़ा सा कागज ले आ और रात को यहाँ पे ना तू आग चला, कैंपिंग कर और उसके बाद ना और कुछ खाने का आइटम साथ में या तो ले आ या तो छोटा वाला चीज से बना ले उसके और उसके बाद एक साथ बैठ के खा। किसके साथ? एक दूसरे के साथ, मतलब तू मेरे साथ। हाँ, मैं तेरे साथ। हाँ, हम लोग एक साथ बैठ के जैसे खाएंगे आप लोग भी अपने से संबंधित किसी लोग के साथ बैठ के वैसे खाइए और ऐसे जगह का आनंद। तो इस जगह से है इस केंद्र में जाने का रास्ता, आप लोग पहचान लो। अभी हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं, जितेन के साधु साहब की दुकान है ये, तो यहाँ पे हम लोग भोजन वगैरह करके निकलेंगे। तो ऊपर ही चढ़ा दिया मैं तो, एकदम खुश हो गया अभी तेरा साधु तो। हाँ सर जी, कैसे हैं? जितेंद्र के साधु साहब से मिलने के बाद हमने चाय पी, खाना खाया, खाना ज्यादा हो गया, सुस्ती आई तो मैं व्लॉग करना भूल गया। उसके बाद मैंने राइड पे फोकस किया और सीधे हम लोग पहुंच गए बाग बहार। अजीब अजीब लग रहा है यहाँ पे आके। कैसे लग रहा है? पुराना सब चीज़ को देख यहाँ बैठे रहते थे जान रहे, इसके पीछे बैठ के चाय पीते थे लाल चाय। तो अभी तू बाग बहार में है भाई। बाकी की कहानी नेक्स्ट व्लॉग में। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद जय भारत।